की कंडीशन स्विंगिंग है और यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट प्लेयर चाहिए। बॉल जो ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है वैसा इंग्लैंड में बाउंस नहीं होता, यहाँ पर स्विंग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ऑफ स्टंप के बाहर बॉल रहेगी तो आपको नेगेट करना है। जहाँ पर बाउंस मिलेगा और आप बीट होते जाएंगे, चेन म्यूजिक यहाँ पर मोस्टली नहीं होगी। जब आप ब्यूटीफुल स्ट्रीक ड्राइव रोहित शर्मा से देखते होंगे तो मोस्टली बॉल जब उनके पास आता है तब वो खेलते हैं। उसके बाद ईशान किशन और के भरत में जंग होगी, कौन आ सकता है। WTC फाइनल के लिए सिर्फ दो दिन बच गए हैं, जून 7 से होने वाला है यहाँ पर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ओवल मैदान में। मगर ओवल मैदान नहीं, ओवल में जो इंग्लैंड में है, ये आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। कौन बल्लेबाज वहाँ पर क्लिक हो सकते हैं इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया के सामने, बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा फाइनल है। तीन ऐसे क्रूशल बल्लेबाज हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करेंगे ये WTC फाइनल में। और क्योंकि कंडीशन स्विंगिंग है, सामने है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, कौन सक्सेसफुल हो सकता है कौन नहीं और किसका रोल इंपॉर्टेंट है, किसको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं ताऊ त्रिवी पुलिस आपका स्वागत करता हूँ इसी चैनल पे। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आने वाली आपके पास, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें मैं इंस्टाग्राम पे। तो उससे पहले मैं बता दूं मेरी 11 कौन सी होने वाली। शुरुआत करते हैं शुभमन गिल से क्योंकि वो ओपनर है। रोहित शर्मा आपके आते हैं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आते हैं पुजारा, हम बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से आ रहे हैं। फिर आते हैं विराट कोहली, चार नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस। फिर आते हैं अजिंक्य रहाणे जो पांच हो गए अभी तक। उसके बाद ईशान किशन के भरत में जंग होगी, कौन आ सकता है। तो उसमें मोस्टली ईशान किशन आएंगे, इंजर्ड नहीं हुए क्योंकि रोहित शर्मा ने कह दिया है। ईशान किशन इज वन ऑफ द मेन प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर और बल्लेबाजी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना डीप हो सके बैटिंग उतना डीप रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, राजू ठाकुर मेरे हिसाब से होना चाहिए, स्विंगिंग कंडीशंस है वहाँ पर, स्विंग बोलर्स कम है हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। शार्दुल हैज अ क्रूशियल रोल एंड ऑल्सो ही इज अ बैट्समैन। उसके बाद आते हैं मेरे लिए आर अश्विन, तो अभी तक हो गए हैं मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, तो हो गए 11 मेरी तरफ से। दो स्पिनर्स तीन गेंदबाज इनफ हैं, ऑल दो हम एक जेन्युइन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जैसे बंदे को मिस करेंगे, मगर अब क्या करें, जो चीज़ है नहीं है तो उसके लिए रोने का फायदा नहीं है। तो वो तीन बैट्समैन जिनके बारे में मैं कह रहा था कि जो क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन जो है ओवल की वो हम सब जानते हैं, स्विंगिंग कंडीशंस है, बहुत मुश्किल होता है खेलना, बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होती है, मोस्टली आउट स्विंग होती है। अगर एक्सपर्ट है बल्लेबाज तो आप देखेंगे, मुझे मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो मोस्टली आप राइट ही मुझे समझ के करिए, क्योंकि मोस्टली आपने देखा है वो ऊपर से 5 नंबर तक सारे के सारे राइट हैंडर्स हैं, फ्रॉम रोहित शर्मा टू अजिंक्य रहाणे। उसके बाद सिर्फ एक ही लेफ्ट हैंडर आपके पास रविंद्र जडेजा, एक ही लेफ्ट हैंडर है, जो एडवांटेज वो है बल्लेबाज जो क्रूशियल रोल प्ले करेंगे और WTC में यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के सामने है, वो है शुभमन गिल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे। रोहित शर्मा को मैंने मिस आउट कैसे किया, पुजारा को कैसे मिस आउट किया, या रविंद्र जडेजा को या ईशान किशन को कैसे मिस आउट किया, उन मैं उसका फैक्टर्स बताता हूँ, आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि कंडीशन स्विंगिंग है और यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट प्लेयर चाहिए, पीपल हु कैन गो टू द बॉल व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन इंग्लिश कंडीशंस। हमारे बैट्समैन जो है चाहे वो रोहित शर्मा हो या ईशान किशन पुजारा, सबका अलग अलग स्टाइल है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली, शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे का भी अलग स्टाइल है। आप देखेंगे रोहित शर्मा इज अ मोर ऑफ अ रिलैक्स बैट्समैन, वो बॉल के लिए रुक के आना, इंग्लैंड में जब बॉल होती है बैटिंग होती है मैचेस खेलते हैं तो आपको मोस्टली बॉल की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि बॉल स्विंग होती है ना तो बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आगे डालने की कोशिश करेंगे। तो आपको रोहित शर्मा लव्स बॉल कमिंग ऑन टू, आप ब्यूटीफुल स्ट्रीट ड्राइव रोहित शर्मा से देखते होंगे तो मोस्टली बॉल जब उनके पास आता है तब वो खेलते हैं। मगर अगर आप विराट कोहली की तरफ जाते हैं तो विराट कोहली इज समबडी हु लाइक्स टू गो टू द बॉल, जिसकी वजह से वो डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ही फील्स टू रीड द स्विंग और वो स्लिप्स में आउट हो जाते हैं। वैसे ही शुभमन गिल का भी एक रोल रहेगा, उनको जज करनी पड़ेगी, उनको बॉल की तरफ जाना पड़ेगा। बॉल ऑस्ट्रेलिया नहीं है, देखिए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं मगर ये कंडीशन ऑस्ट्रेलियन नहीं, क्योंकि हिट द डेक बॉलर्स हैं और हमारे जो कॉम्पैक्ट बैट्समैन हैं चाहे वो अजिंक्य रहाणे हैं, वो उनको ऑन द राइट अच्छा लगता है। मगर जब इंग्लिश कंडीशन होती है तो बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आगे डालने की कोशिश करते हैं,
एक्सपीरियंस बोलर्स हैं, उनको पता है क्या लाइन होगी, अगर शॉट डालेंगे तो आपका मौका है पुल करने का। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है जहाँ पर बाउंस मिलेगा और आप बीट होते जाएंगे। चिन म्यूजिक यहाँ पर मोस्टली नहीं होगी, जो ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है वैसा इंग्लैंड में बाउंस नहीं होता। यहाँ पर स्विंग होता है, सबके अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, हर कंट्री के थ्री बैट्समैन आर वेरी क्रूशियल, शुभमन गिल, विराट कोहली एंड जिम के रानी। और पुजारा की बात करूँ तो पुजारा इज मोर ऑफ अ प्लेयर बिलीव्स इन स्टेइंग देयर ऑन द क्रीज। रन स्कोरिंग इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको रन जीतना है तो आपके पास रन भी होना है, तो पुजारा कैन बी द पर्सन हु कैन सेव द विकेट। प्लेयर्स कैन प्ले अराउंड हिम, everybody can score runs while pujara can be there on the wicket and come out with those odd boundaries and sixes. unka record bhi england mein theek hi hai, to england mein sabse zyada enjoy karenge virat kohli aur arjun ke rane aur shubman gill, teenon ke teenon form mein hai aur teenon ke paas compact technique hai fast bowlers ko khelne ki, swing bowlers ko khelne ki। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑफ स्टंप के बाहर बॉल आएगी तो आपको नेगेट करना है, या बॉल अंदर आएगी बॉल आपको नेगेट करना है। स्विंग को आप कैसे टैकल करेंगे, स्विंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीव करने आना चाहिए। इंग्लैंड में जीतना है, इंग्लैंड में आपको फाइट करना है, तो यू शुड नो हाउ टू लीव द बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अगर आपने छेड़खानी करने की कोशिश की और जितना आप बाहर छोड़ेंगे उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है कोई भी फास्ट बॉलर के लिए, तो आप बाहर की बॉल खेलने की कोशिश करेंगे तो आप स्लिप्स पे आउट हो जाएंगे, मगर अगर बॉल आपके जोन में तो इफ एंड ईजी आपको अपने जोन में ही खेलना पड़ेगा। रोहित शर्मा लाइक द बॉल टू कम ऑन टू हिम, अभी भी उनका फॉर्म नहीं है मगर उनका रिफ्लेक्सेस भी इतना ग्रेट नज़र नहीं आ रहा। आई होप ही रिटर्न्स टू फॉर्म, हम सब चाहेंगे रोहित फॉर्म में वापस आ जाए, और जब वो आएंगे 500 से उनके ना वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, बट वो वाइड बॉल था वो कॉन्फिडेंस लेंगे वहाँ से, नहीं स्मार्ट करके खेलने यहाँ पर, जितना स्मार्ट रहेंगे उतना अच्छा। We'll be right back.